हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। हम न्यूबॉर्न केयर की सीरीज़ में एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आए हैं। अक्सर जब आप नए पेरेंट्स बनते हैं तब आपका बेबी कंटिन्यूसली रोता है या फिर कभी कभी भी रोता है और आपको ये समझ नहीं आता है कि आपका बेबी क्यों रो रहा है। तो हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका बेबी रोता है और हम उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। जब छोटा बेबी हमारे घर में आता है तब हम जनरली जब भी वो रोता है तो हम ये सोचते हैं कि उसको भूख लग रही है और हम उसे तुरंत फीड कराना शुरू कर देते हैं। बट फीड कराने के बाद भी बेबी कंटिन्यूसली रोता है। कई ऐसे केसेस होते हैं कि आप सब कुछ ट्राई कर लेते हैं फिर भी बेबी शांत नहीं होता है और घर में बाकी लोग भी परेशान होते हैं, आप खुद भी इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये रीजंस जानें जिनकी वजह से बेबी रोता है, और अगर आप पहले से जानेंगे तो आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे कि आपको आखिर जब आपका बेबी रो रहा है तो क्या क्या चेक करना है और कैसे उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप ये बातें जानते हैं तब आप एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्योंकि जब हमारे बेबी के साथ भी ये इश्यूज़ होते थे तब शुरुआत में हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, बट रेगुलरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमने उसे स्टडी किया तब हमें ये समझ में आया कि आखिर कौन से ऐसे रीजंस हैं कि वो रो रहा है। और उसके बाद हमने एक सिंपल सा एक बेसिक रूल बना लिया कि जब भी वो रोएगा तो हमें क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहला रीज़न जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, आपका बेबी जब छोटा होता है तो वो क्योंकि वो बात नहीं कर सकता तो वो जब भी भूखा होता है तो वो रो के ही बताता है कि उसको भूख लगी है। तो आप सबसे पहले हमेशा यही ट्राई करते हैं कि आपका बेबी भूखा है तो आप उसे फीड ऑफर करते हैं, और जनरली बेबीज़ फीड लेने के बाद अक्सर रिलैक्स्ड हो जाते हैं, या तो वो खेलने लगते हैं और या तो वो नॉर्मली सो जाते हैं। बट अगर आपका बेबी फीड लेने के बाद भी रोए ही जा रहा है या फिर अगर आपका बेबी फीड लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसको नापी चेंज की रिक्वायरमेंट है, यानी उसका डायपर काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया है। अगर आप क्लॉथ डायपर्स यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेक करना है कि आपके बेबी ने कहीं उसमें पॉटी या सुसु तो नहीं कर दिया है, क्योंकि जब आपका बेबी छोटा होता है एज अ न्यू बॉर्न वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट पीस करता है। तो आपको लगभग हर एक घंटे में ये चेक करना है कि क्या आपके बेबी की डायपर बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई है या नहीं। तो आप फ्रीक्वेंटली ये चेक करते रहे अगर वो क्लॉट डायपर है। अगर आपने मार्केट में अवेलेबल हाईली एब्जॉर्बिंग डायपर्स भी पहनाए हैं तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा चेक करते रहना है, क्योंकि उसमें एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती। तो अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है और अभी तो थोड़ी देर पहले ही चेक किया था तो वो चल ही रहा होगा, बट अक्सर ऐसा होता है कि बेबी की पी की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। तो आपको टाइम टाइम पे लगभग दो घंटे में एक बार ज़रूर डायपर चेंज कर देना है, चाहे वो हाईली एब्जॉर्बेंट डायपर हो या फिर नॉर्मल डायपर हो तो भी। तो जब आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुसु करता है तो वो गीला भी हो जाता है और साथ ही साथ उसकी स्किन इरिटेट भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको बहुत ही जल्दी बेबी का डायपर को चेंज कर देना है, चाहे डायपर किसी भी तरीके की हो। और इसी तरीके से अगर आपके बेबी ने पॉटी कर दिया है तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली उसको रिमूव करना है और डायपर चेंज करके बेबी को क्लीन करके वापस नई डायपर पहनानी है। अदरवाइज बेबी को डायपर रैशेस भी हो सकते हैं, तो आप उस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हैं और आप अपने बेबी को एक काम स्लीप भी देना चाहते हैं, इसलिए आपको डायपर्स पे एक बहुत ही क्लोज वॉच रखना है, स्पेशली शुरू के कुछ महीनों में। डायपर भी चेक कर लिया, फीड भी ऑफर कर लिया, लेकिन उसके बाद भी बेबी रोता ही जा रहा है तो हो सकता है बेबी को नींद आ रही है। और आप चेक करें कि आपके बेबी को कहीं नींद तो नहीं आ रही है। आप जब शुरुआत में बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पे आपको चेक करना है, उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है और ये समझना है कि आपके बेबी के स्लीपिंग क्यूज़ क्या है। अक्सर बेबी जब छोटा होता है तब हम ये नहीं समझ पाते कि उसको नींद आ रही है और वो कुछ साइंस तो देता है, बट क्योंकि हम अभी बेबी को बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं उसके साइंस भी हम समझ नहीं पाते, तो हम ये अक्सर मिस आउट कर देते हैं कि बेबी को नींद आ रही है। जो छोटे बेबीज होते हैं न्यू बॉर्न, उनको बहुत ज़्यादा स्लीप की रिक्वायरमेंट रहती है, अराउंड 20 आवर्स या उससे ज़्यादा भी वो सोते हैं। तो इसलिए हमें जब भी बेबी कंटिन्यूसली रो रहा है तो हमें एक बार ये ज़रूर चेक करना है कि कहीं उसे नींद तो नहीं आ रही है। और काफ़ी सारे लोगों के बीच में अगर आप घिरे हुए हैं अपने बेबी के साथ तो आप तुरंत वहाँ से एक सेपरेट प्लेस पर जाएँ और कोशिश करें कि बेबी को एक काम एंड सूदिंग एनवायरमेंट दें, और उसके बाद आप ट्राई करें कि आपका बेबी स्लीप के लिए जा सके। और स्लीप के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। आप जनरली सूदिंग म्यूज़िक या फिर वाइट नॉइज़ भी ट्राई कर सकते हैं जब आप अपने बेबी को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। रूम को आप थोड़ा सा डार्क रखेंगे तो आपके बेबी को सोने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तो आप
इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने बेबी की स्लीपिंग क्यूज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें। और धीरे धीरे करके आप बेबी को स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ऐसे कौन से साइंस हैं, ऐसे कौन से सिम्बल्स हैं जो आपका बेबी दे रहा है जब उसे नींद आ रही है। अक्सर बेबीज़ अपनी आँखें जो है वो मसलने लगते हैं, या फिर अपने हाथ को बार बार अपनी आँखों के पास ले जाते हैं, या बाकी जितनी भी क्राउड है उनसे वो दूर देखने लग जाते हैं, वो किसी से आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके के सिम्बल्स आपका बेबी आपको दे रहा है तो आप इन्हें मिस ना करें और ध्यान दें कि हो सकता है आपके बेबी को नींद आ रही हो। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि आपके बेबी के पेट में कुछ गड़बड़ है, हो सकता है उसको कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे हो, या फिर आपने कुछ जब उसको फीड कराया है, अगर आप फॉर्मूला फीड करा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं और उस वजह से बेबी को कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि जब आप बेबी को फॉर्मूला फीड करा रहे हैं तो पूरा हाइजीन का ध्यान रखें, अदरवाइज अगर आप मिल्क को पंप करके भी दे रहे हैं तो भी आप हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। तो जनरली अगर इतने ज़्यादा हाथ लगते हैं या फिर जितनी ज़्यादा सर्फिस इंक्रीज होते जाती हैं, कॉन्टामिनेशन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो आप इन सारे ही केसेस में हाइजीन का पूरा ध्यान रखें और ये आपके बेबी को स्टमक में होने वाली प्रॉब्लम से बचा सकता है। हो सकता है आपका बेबी इस तरीके के स्टमक अपसेट की वजह से रोता जा रहा है। और अगर आपने बेबी को फीड कराया है, उसको स्टमक अपसेट की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है उसको गैस की प्रॉब्लम हो रही हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बेबी छोटा होता है और हम उसे फीड तो करा देते हैं और बहुत ज़्यादा फीड ले लेता है और उसके साथ साथ में काफ़ी एयर भी उसके अंदर चली जाती है, तो जब बेबी को एयर की वजह से प्रॉब्लम होती है उसको काफ़ी पेन फील हो रहा होता है। तो इस केस में आपको बेबी को बर्प कराना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आप कंटिन्यूसली अपने शोल्डर पे स्ट्रेट 20 मिनट्स के लिए लेके घुमा सकते हैं जब तक उसे बर्प ना आ जाए, और अगर बर्प नहीं आ रही तो भी 20 मिनट्स के लिए ऐसी अपराइट पोजिशन में रखते हैं तो उसका जो मिल्क है वो ईजिली सेटल डाउन हो जाता है और उसके बाद उसे वो गैस की वजह से होने वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। और न्यूबॉर्न को आपको कैसे बर्प कराना है उसके चार बहुत ही ईजी मेथड हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ इतना कुछ ट्राई करने के बाद भी आपका बेबी शांत नहीं हो रहा है, तो क्योंकि जब बेबी छोटे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है उन्हें कॉलिक की प्रॉब्लम भी होती है, तो जनरली जब बेबी 6 वीक का होता है उसके आसपास ये प्रॉब्लम अराइज होती है और उसमें भी बेबी काफ़ी परेशान होते हैं। तो कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें कॉलिक की समस्या होती है, जनरली कॉलिक का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं पता है, बट फिर भी आप ये चीज़ें बहुत ही क्लोजली वॉच करें कि आपका बेबी किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में रोते ही जा रहा है तो हो सकता है उसे कॉलिक की प्रॉब्लम है और इस वजह से भी बेबी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेबीज़ को काफ़ी ठंड लग रही है या काफ़ी गर्मी लग रही है तो उस कंडीशन में भी बच्चा रोता ही जाता है, तो आपको अपने बेबी के रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। फ्रॉम 16 डिग्री टू 20 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो बेबी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, और अगर आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आप बेबी को ओवर ड्रेस या अंडर ड्रेस ना कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कपड़े भी पहना देते हैं तो बेबी को ओवर हीटिंग हो सकती है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, वो डिहाइड्रेट हो सकता है। तो आप बेबी को ओवर ड्रेस भी ना करें, और अंडर ड्रेस करेंगे तो उससे बेबी को ठंड लग सकती है या उसको ठंड की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप बेबी के कपड़ों को भी बहुत अच्छे से ध्यान दें और अपने रूम के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने की कोशिश करें। न्यूबॉर्न का डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा सा बिल्डअप नहीं हुआ होता है, इस वजह से कई बार कई न्यूबॉर्न्स को डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है और इसी की वजह से बेबीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो इस वजह से भी कंटिन्यूसली रोते हैं। तो इस केस में जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि जब बेबी गैस पास कर देता है या बेबी पॉटी कर लेता है उसके बाद काफ़ी रिलीफ और रिलैक्स महसूस करता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके बेबी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो रोता ही जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपका न्यूबॉर्न बेबी है वो काफ़ी सारे लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा होता है और खेलते खेलते टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बट उसकी नैप्स मिस होने लग जाती हैं और फिर वो काफ़ी टायर्ड हो जाता है और उसके बाद वो रोने लगता है, और जनरली लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है। तो इस केस में भी आपको समझना है कि बेबी छोटा बेबी जो है वो 2 से 3 घंटे के बाद तुरंत एक नैप लेगा ही लेगा, तो अगर ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूसली काफ़ी देर से बेबी खेल रहा है और उसके बाद वो इरिटेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो टायर्ड हो गया है और अब उसको रिलैक्स नींद की ज़रूरत है, तो आप उसे काफ़ी ज़्यादा आरामदायक पोजीशन में ले जाएं और उसको सुलाने की कोशिश करें, क्योंकि बेबी थकने की वजह से भी काफ़ी रोते हैं और रिलेटिव्स को या पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्यों रो रहा है, अभी तक तो खेल रहा था अचानक से क्यों रोने लग गया। तो अक्सर ये होता है कि बेबी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं उसकी वजह से भी बेबी काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं।
इसके अलावा एक बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है, काफ़ी देर से आपने बेबी को रूम में छोड़ देते हैं और उसके बाद वो खेलते रहता है लेकिन अचानक से रोने लग जाता है और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बाद भी बेबी चुप नहीं हो रहा है। तो इसका सिंपल से रीज़न ये रहता है कि हो सकता है आपका बेबी आपको मिस कर रहा है एंड वो आपकी एक कडल या आपके हक के लिए क्रेव कर रहा है, और इस केस में आप जाके अपने बेबी को पिक करें और उसके बाद उसे एक अच्छा सा कडल दें और थोड़ा सा आप उसको लेके थोड़ा सा रॉक करेंगे या फिर आप उसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो बेबी को काफ़ी रिलीफ मिलता है और बेबी अक्सर ऐसे खुश हो जाते हैं और सो भी जाते हैं। तो कई बार बेबीज जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को मिस भी कर रहे होते हैं और इस वजह से भी वो रो रहे होते हैं। इन सारे रीजंस के अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका बेबी कंटिन्यूसली क्यों रो रहा है तो हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो जिसमें आपको यहाँ पर डॉक्टर की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है वो अच्छा फील नहीं कर रहा है तो बेबी को आपको डॉक्टर को विजिट कराना चाहिए और चेकआउट करना चाहिए कि कहीं उसे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इस केस में सिर्फ डॉक्टर ही हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करें और वहाँ जाकर पता कर सकते हैं कि क्या रीज़न है। हो सकता है उसको फीवर हो या हो सकता है उसको और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई पेन हो या ऐसे कोई रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बेबी काफ़ी परेशान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ट्राई कर ली है उसके बाद भी बेबी आपका रोता ही जा रहा है तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम है जिसमें मेडिकल हेल्प की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने बेबी को तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाएं और बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, यही थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी वजह से बेबी रोते हैं और आप क्या कर सकते हैं जब आपका बेबी रो रहा है, जब आप एज अ न्यू पेरेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से बेबीज रोते हैं। तो जब आप न्यू पेरेंट्स हैं तब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कंटिन्यूसली आखिर बेबी क्यों रो रहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है, बेबी बोल नहीं सकता, बेबी किसी और तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है और वो सारी चीज़ें बताने के लिए सिर्फ एक ही मीडियम चूज़ करता है, वो है रोना। तो एज अ न्यू पेरेंट आपका बस यही फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बेबी को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करें कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा जनरली रोता है, और आपके बेबी के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर सेटअप कर सकते हैं कि जब आपका बेबी रोएगा तो आपको क्या क्या चेक करना है। सपोज सबसे पहले आप उसको फीड चेक करते हैं, फिर आप उसका डाइपर चेक करते हैं और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि कहीं उसको नींद तो नहीं आ रही है या उसको बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, तो आप उसको कुछ एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, आप उसको रॉक करते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं और ऐसी प्रोटोकॉल फॉलो करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और आपका बेबी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फजीनेस की तरफ नहीं जाता और बहुत ही ज़्यादा ईजिली शांत हो जाता है। तो आई होप ये सारी ही टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होंगी। अगर आपको ये टिप्स यूज़फुल लगती हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और भी न्यू पेरेंट या होने वाले पेरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर सारे ही पेरेंट्स को आती है जब वो नए नए पेरेंट्स बनते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पे और भी बेबी केयर, न्यूबॉर्न केयर और प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप उन्हें अगर रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही साथ आप साथ में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की इन्फॉर्मेशन क्विकली मिल जाएगी। जैसे ही हम उसे अपलोड करेंगे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अब आप हमें फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे कनेक्ट होना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पर हमारी छोटी सी कम्युनिटी है जहाँ पर हम छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते रहते हैं। वहाँ पर हम काफ़ी सारी नई नई चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे कि न्यू बॉर्न मिथ बस्टर्स हो गए या न्यू बॉर्न से रिलेटेड डिड यू नोज भी हम शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने बेबी की रेगुलर डेवलपमेंट माइलस्टोन्स भी शेयर करते हैं और आपको कई सारी टिप्स भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं, और आप हमसे वहाँ पर भी ज़रूर कनेक्ट हो। थैंक यू सो मच, और हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।